अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी ये टोरंटो में बारिश का वक्त है और आपको कुछ दिखाना भी था मैंने कि आप देखिए कि इन्होंने रोड्स का सिस्टम कितना अच्छा बनाया हुआ है। यहाँ पे भी बहुत हैवी किस्म की रेन हुई है लेकिन आपको अभी फील भी नहीं हो रहा होगा कि यहाँ रेन हुई है। उसकी वजह यह है कि इन्होंने सड़कों के हर साइड पर ड्रेनेज का सिस्टम किया हुआ है और उसमें होता ही है कि वो जो भी पानी है वो पता भी नहीं लगता उसका, कुछ ही देर में वो ख़त्म हो जाता है। तो एक सिस्टम जो है उन्होंने बना दिया है, अब मेहनत की है लेकिन उसके बाद आसानी हो गई है कि अब ये लोगों को तकलीफ नहीं है इससे। अब जो कराची का हाल देखा हमने पाकिस्तान का, वो एक दिन की तो मतलब बात नहीं है, हर साल ऐसे ही होता है, अभी से नहीं हो रहा कब से हो रहा है लेकिन वहाँ कोई पूछने वाला ही नहीं है। ये साइड पे यहाँ पे ये आपको नजर आ रहा होगा, ये मेन होल इसके साइड पे सब लगे हुए, कुछ ही कुछ देर बाद एक मेन होल आएगा आपको, ये फिर आ गया एक साइड पे। इसी तरह सारे उन्होंने रोड पे किए हैं सब कनाडा में, सब मेहनत की है और काम करते रहते हैं। यहाँ पे काम ऐसे ही आंधी हो तूफान हो उससे इनका कोई मतलब नहीं है, उनका ये है कि काम जो है वो चलता रहता है और यही वजह है कि मुल्क फिर तरक्की करते हैं। जब रोड ये इनके सिस्टम अच्छा होता है तो आमदोरफ में आसानी होती है, लोगों के लिए आसानी होती है बिजनेस करने में, ऑफिस जाने में। एक सिस्टम है, आप अगर उसके लिए ज़ाहिर कुर्बानी तो देनी पड़ती है। हमारे मुल्क में सिर्फ ये है कि चूंकि अफसोस ये कि सिंसेरिटी नहीं है, लोग इस तरफ कोई तवज्जो ही नहीं दे रहा। तो अगर उन्होंने तवज्जो दी होती तो आज हमारे लोगों को इतनी मुश्किल नहीं होती। रोज हम हर साल देखते हैं कितने लोग करंट से मर जाते हैं, कितने बिजली से मर जाते हैं, कोई सिस्टम नहीं है, कुछ तरीका नहीं है वहाँ पे, बस बातें ही बातें हैं। तो इसी वजह से वो सिस्टम बन नहीं रहा। अगर ये लोग चाहे मतलब अपना जो भी सियासत करनी है करें लेकिन ये लोगों के मसाइल जो है ना बिला तफरीक ये हल करें तो मसले ना हो। या आप देखिए रोड पर पता ही नहीं लग रहा होगा आपको इतना इन्होंने वो माशाल्लाह वो किया हुआ कि कुछ ही देर में सारा कुछ सिस्टम ठीक हो गया। अभी इतनी हैवी बारिश होती थी यहाँ पे लेकिन अभी आप फील भी नहीं हो रहा। उसकी वजह सिर्फ यही है कि एक सिस्टम है इनका। तो ये सिस्टम जो है ये तो करना पड़ता है, ऐसे तो नहीं हो जाता कि आप सोचेंगे बैठे बैठे हो जाएगा, हर साल बातें करें, 5 साल आप बस एक दूसरे को ब्लेम करते हुए निकाल दें, ऐसे नहीं होता। महज़ब माशरों में ऐसे नहीं होता, सिविलाइज सोसाइटी में ऐसे नहीं होता, वहाँ पे ही होता है, लोगों का ख्याल किया जाता है। आपसे कोई नहीं कहता कि आप लोगों को खाना पहुँचाएं, लोगों के साथ जो है वो उनको घर में जाके उनकी खिदमत करें, नहीं। आप ऐसा सिस्टम बना दें कि जो है वो लोगों के मसले मसाइल हल हो जाए। लेकिन मसला ये है कि आपकी नीयत हो तो बात है ना, अब नीयत ही नहीं हो तो फिर क्या किया जाए। अब देख लीजिए कैनेडा जंगल था लेकिन उन्होंने कितना खूबसूरत बना दिया, हमारे मुल्क को माशाल्लाह इतने प्यारे प्यारे, लेकिन उनको उन्होंने ऐसे बुरा हाल कर दिया जैसे टॉयलेट का भी नहीं होता। तो इतना अफसोस होता है देख देख के कि यार आखिर ये हमारे मुल्क के लोग कब सुधरेंगे, क्या इनके अंदर इतनी तमीज़ नहीं है कि रहने सहने के लिए अपने लिए अच्छी जगह बना लें। हमें दुख होता है बाहर रहते हुए, हम लोग पाकिस्तान के लिए कुड़कते हैं और तकलीफ होती है हमें कि यार कब हमारा मुल्क जो है वो सही हो जाएगा और जो है लोगों के लिए आसानियाँ हो जाएंगी। हालांकि लोग हमें कोई वो कुछ तो नहीं दे रहे लेकिन हमें उसकी फिक्र है, अपने मुल्क से हमारी मोहब्बत है। अब ये देखिए हर कोने कोने पे इन्होंने जो है ना वो एक ड्रेन का सिस्टम बनाया हुआ है, हर रोड के साइड पे आपको नजर आएगा और उसकी गालबन सफाई भी जाहिर होती रहती है पूरे साल, जो भी ये लोग अपने उनका सिस्टम है करते रहते हैं। तो ये चीजें जब तक नहीं होंगी तो मुल्क फिर तरक्की नहीं करते, फिर उसके अंदर जो है वो कोई निज़ाम जो है बन नहीं पाता। इसलिए जरूरी है कि हमारी गवर्नमेंट को इस तरफ सोचना चाहिए कि भाई आप गवर्नमेंट आप इसी मुल्क से पैसे कमाते हैं, कितने लाखों रुपए आपको सैलरीज मिलती हैं, तनख्वाहें मिलती हैं आप, लेकिन आपके अंदर कुछ भी एहसास नहीं है कि आप लोगों को फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कर सकें। आखिर ये लोग बेचारे इंसान के बच्चे हैं, कोई जानवर तो नहीं है जिनको आप। Oh, oh, oh.
करप्शन है, अगर करप्शन ना हो तो क्यों नहीं पैसा लगे उसमें, कितना पैसा मिलता है।